जय हिंद बच्चों। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय IIM योग्यताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे इंग्लिश में NMMS भी कहते हैं, उसका फॉर्म आज से ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो बच्चों, ये देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। अगर आप मोबाइल के थोड़े बहुत भी जानकार हैं तो आप आसानी से मोबाइल के ज़रिए खुद का फॉर्म भर सकते हैं। अक्सर जब हम साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाले भैया के यहाँ जाते हैं तो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ हो गड़बड़ कर देते हैं। अगर आपके पास मोबाइल की समस्या है तो आप साइबर कैफ़े जाइए और जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बाद में बच्चों छात्रवृत्ति लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। कभी बच्चे माता का नाम, कभी पिता का नाम, कभी खुद का नाम, कभी डेट ऑफ बर्थ, कुछ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो ये गलतियां ना हो। और सबसे बच्चों जरूरी बात कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लगभग 7,000 बच्चे जुड़कर फ्री में तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों देखिए, मेरे द्वारा और विनोद सर द्वारा बुक लिखी गई है राघव प्रकाशन की, तो ये काफ़ी फेमस बुक है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बनी हुई है और आप इससे आराम से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बच्चों ने तो तैयारी मेरे वीडियोस के जरिए आसानी से की है और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। किताब के जरिए बस आप तरह तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों हर एक जनपद में इस समय कट ऑफ पड़ता जा रहा है। तो देखिए, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्राउज़र हो, entdata.co.in ये डालकर आपको सर्च करना है। तो सर्च करते ही देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, ये साइट आपके सामने आ जाएगी। और जो पहले यहाँ पर 24-25 दिख रहा था, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे अभी तो 24-25 चल रहा है, ये गलत तो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम हो रहा है छात्रवृत्ति के लिए, इस ईयर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। जब आप 9 में जाएंगे तब आप NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे। उसके वीडियोस में इस समय मैं बनाया भी हूँ और बन भी रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25-26 के लिए है, तो यहाँ क्लिक के लिए दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए, ये ओरिजिनल जगह है जहाँ से हमें अपना फॉर्म पूरी समझ करके भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म कैसे भरें, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। और यहाँ पर फॉर्म कैसे भरें, क्लिक हियर। तो पहले हम जानकारी ले लें, इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्म के बारे में, ठीक है। फॉर्म कैसे भरें, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको मैं, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि एक मोबाइल से आपको एक आवेदन करना है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर गलती से ये हो गया, वो हो गया, और कोई चारा जब नहीं बचता है आपके पास, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले समझ लीजिए अच्छे से, कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर बच्चों आगे चल के आपको काम आना है, ठीक है। इसी पे सब मैसेज आएंगे, आगे जब आप NSP पोर्टल के लिए अप्लाई करेंगे कई चीज़ें इससे लिंक रहेंगी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपका बदले ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करना है, अभी हम देखेंगे कैसे करना है। द्वितीय चरण से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के विद्यालय प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें, फिर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका से हस्ताक्षर कराएं। तो दूसरे में क्या है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आप विद्यालय का प्रमाण पत्र निकालेंगे, उसमें आपका नाम लिखा हुआ ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। तो साइन मोहर इसलिए कराना है कि हाँ, ये फलाना बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है, तो ये वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे प्रूफ का उस पर अटेस्ट करेंगे। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे, जो भी आवासीय विद्यालय हैं, जितने भी कस्तूरबा गांधी हो गया, या आपका अटल आवासीय विद्यालय हो गया, या श्रेष्ठा योजना में जो बच्चे चयनित हुए हैं, तो वो ये सब एग्ज़ाम को भर नहीं सकते हैं। ये केवल सरकारी और सहायता प्राप्त जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तृतीय चरण के ए भाग से हस्ताक्षर कराए हुए प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। जो आपने डाउनलोड किया होगा, इसको प्रिंट आउट निकाला होगा, उसको ही साइन करा के आपको अपलोड करना है। और बी भाग में अभ्यर्थी अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। देखिए, वीडियो मैंने करीब एक महीना पहले ही बना दिया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर अभी भी आपका नहीं बना है तो तुरंत बनवा लीजिए आय प्रमाण पत्र, और अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। भाग से अपना पासपोर्ट साइज की साफ फ़ोटो को ही अपलोड करें, तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी उसको अपलोड करना है। बच्चों देखिए, ये मोबाइल से जो भी चीज़ें अपलोड करनी है, आपको स्कैनर ऐप आता है, प्ले स्टोर पर टाइप कर लीजिएगा स्कैनर, ठीक है। तो उसे आप स्कैन कर लेंगे, और एक फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर,
फोटो साइज़ रिड्यूसर, क्योंकि जब हम देखेंगे तो 50 KB 100 KB इसके अंदर में हमको फ़ोटो अपलोड करनी होती है, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो दो चीज़ें आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, अब पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो गई, फिर डी भाग पे अपने हस्ताक्षर को अपलोड करें। कोई भी आप प्लेन वाइट पेपर पे आपका नाम राम है तो राम पूरा लिख लीजिए, उसकी फ़ोटो खींचिए, स्कैनर से फ़ोटो खींचिए, उसकी साइज़ छोटी कीजिए फ़ोटो साइज़ या जेपीजी रिड्यूसर से, और उसको आप अपलोड कर दीजिए। अब हम देखेंगे कहीं कहीं पीडीएफ भी मांगता है, और चतुर्थ चरण में आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो भी हो उसको अपलोड करना है, और फाइनल चरण में जो पंचम चरण है उसमें प्रिंटआउट निकालें और अपने पास उसे सुरक्षित रखें। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रोसेस, अब आइए आते हैं जिस पे मेन प्रोसेस है, स्टेप 1, ठीक है। अब मैं थोड़ा छोटा भी कर दूँ ताकि आपको अपने मोबाइल में इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कई बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं करने के बाद, भूलना नहीं, एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर भूल गए हैं तो यहाँ से तरीका है, खोज सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाए, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती करने की फिर आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो आपको 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में जो भी त्रुटि हो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मौका रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला, देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ से होगा जब हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तृतीय स्टेप, देखिए 4 स्टेप थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 3 में क्या करना है, स्कूल ए पार्ट में स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बी में इनकम सर्टिफिकेट करना है, आय प्रमाण पत्र, सी में फ़ोटो करना है जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो थी। कई बच्चे क्या करते हैं एकदम बचपन की फ़ोटो लगा देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। फिर चौथे में साइन करना है, ठीक है। फिर आरक्षण, देखिए आरक्षण किस हिसाब का दे है, अगर आपके पास कोई भी SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तब ये अपलोड यहाँ से होगा, दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तब अपलोड यहाँ से होगा, या फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो अपलोड यहाँ से होगा, फाइनल प्रिंट देखिए यहाँ से होगा। सब चीज़ इसी पेज से आपको होना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन वाला है, इसको मैं छूने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे बढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे बढ़ते ही देखिए काफ़ी बड़े बड़े निर्देश आ गए हैं, तो इसको मैं फिर से थोड़ा छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा, कि क्योंकि निर्देश पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, बिना निर्देश के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए जो है कि 23-24 में, आप भाई आप इस समय 24-25 में कक्षा 8 में होंगे, 23-24 में कक्षा 7 में कम से कम आपके 55% नंबर होने चाहिए, SC ST बच्चों के लिए 5% की छूट है, ठीक है। और वर्तमान में आप कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे और आप छात्रवृत्ति योजना जो है 25-26 के लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी आप, आपके अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और परीक्षा का आयोजन हर एक जनपद में होगा, ऑनलाइन देखिए आज से भरा जा रहा है, और परीक्षा आपकी ये सॉरी अंतिम तारीख 5 सितंबर तक है, ठीक है, और आज से भरा जा रहा है, 5 सितंबर लास्ट डेट है, और परीक्षा आपकी 10 नवंबर को है, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। और आरक्षण वाली चीज़ें हो गई, अब हम नीचे इसके मैंने बता दिया था देखिए कि ये विद्यालय के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, तो ज़्यादा समय नुकसान नहीं करना है आपका। और जब आप पास कर लेंगे तो कक्षा 9, 10, 11, 12 तो इसमें 48,000 रुपये कुल 4 साल में आपको मिलेंगे, यानी कि 12,000 रुपये साल आपको मिलेगा। बाकी चीज़ें अभी आपके काम की नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है कुछ बच्चे देखिए मैसेज कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं को कक्षा 8 में न्यूनतम 55% नंबर होना चाहिए, और जारी देखिए रखने के लिए 9-10 में आपका कम से कम 60% होना चाहिए, और जो SC ST के बच्चे हैं उनको 5% की छूट है। कुछ बच्चे मैसेज किए हैं उनके 60 से कम आ गए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो छात्रवृत्ति पाना और उसको बरकरार रखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने सिलेबस वगैरह काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग, परीक्षा आपकी 10 तारीख को होगी 8 से 11 बजे तक, ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर होगा, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एकदम नीचे की तरफ आप आएंगे, देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है मैं सहमत हूँ, ठीक है, जब आप यस करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं यस करने जा रहा हूँ, तो यस करते ही वो काला हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर
जो नया खुला है, आवेदन, अंतिम तारीख ये सब दे दिया, परीक्षा का नाम दे दिया। अब ये डिटेल हमें पूरा देखिए यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पूरा डिटेल यहाँ पर भरते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी NMMS का आप करने जा रहे हैं, तो कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों में ही भरे, तो छोटे अक्षरों का नहीं करना अंग्रेजी के, और कोई भी प्रतीक चिन्ह जो हो, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज, ये सब, और हिंदी में कृपया ना भरें। साफ साफ ये निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर कुमार, कुमारी, ये सब नहीं लिखना है। यहाँ आपको आधार नंबर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इधर कुछ भी नहीं है, मैं देख रहा था जन्म तिथि, तो जन्म तिथि आपको यहाँ से तिथि सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका तिथि हो, महीना हो, ठीक है, वर्ष हो, तो जो भी अपना आपका है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है, तो 5 जून 2012, ठीक है। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, अब कैपिटल लेटर करना है तो कैपिटल कर दें, 5 जून, ठीक है, 2012, TWO 2000 THOU, आगे 1000, फिर 12 TWELVE, ठीक है। इस तरह से हमने भर दिया। अब देखिए पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता के नाम में मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये कर लेंगे। माता का नाम, लिंग यहाँ से आप जो भी लिंग है आपका, पुरुष है, महिला है, वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान, तो निवास स्थान क्या है, ग्रामीण है आपका तो ग्रामीण कर लेंगे, शहरी है तो शहरी कर लेंगे। जाति, तो इसमें से अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तब आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए मैं अन्य पिछड़ा वर्ग अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर OBC करते हैं तो OBC सामान्य, ये सॉरी सामान्य करेंगे, सामान्य आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो क्रमांक यहाँ आपको लिखना है, और किस दिनांक को जारी किया गया वो ये लिखना है। तो जनरल वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो SC ST और OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर करना है। तो सारे रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, ठीक है। अगर कुछ हैं, कोई नहीं, अगर हैं तो चलन क्रिया में है, चलने में दिक्कत है, सुनने में है, या मंदबुद्धि है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अधिकतर बच्चे कोई नहीं करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम अगर हैं तो हाँ करना है, फिर वैसे ही प्रमाण पत्र का क्रमांक और किस तारीख को जारी किया गया ये आपको यहाँ पर लिखना है। पत्र व्यवहार का पता, तो अपना तथा पिता का नाम ना लिखें, ठीक है। तो फिर से आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पूरा पता लिखेंगे, ठीक है। फिर जिला और फिर पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और लैंडलाइन अगर है तो वो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना। ईमेल आईडी जो आपने बनाई होगी अपनी वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर या मान्य ईमेल आईडी ही लिखें, तो आगे 91 ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब संस्था का नाम और पता जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, तो यहाँ पर आप देखिए संस्था का नाम अंग्रेजी में टाइप करेंगे, संस्था का पता भी यहाँ पर करेंगे, बाकी जिला, तो जो मैं वाराणसी से हूँ तो मैं आपको करके दिखा दूँ जिला वाला कैसे होगा, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सभी ज़िले आ गए हैं, तो वाराणसी सबसे नीचे होता है तो वाराणसी कर लिया। फिर पिन कोड हम जो जो भरेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो संस्था का प्रकार जहाँ कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ गया है कि राजकीय है, स्थानीय निकाय यानी कि प्रसदीय है, या अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड है। तो कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल का यहाँ जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे प्रसदीय में पढ़ रहे हैं तो प्रसदीय कर दूंगा मैं, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। वही विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ग्रामीण है तो ग्रामीण कर देंगे, ठीक है। आय संबंधी विवरण, तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको माता पिता अभिभावक का वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र का मांग, प्रमाण पत्र जारी जो डेट है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम, ये बहुत ही ज़रूरी है, परीक्षा का माध्यम आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी में अधिकतर बच्चे करेंगे तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब परिवार के सदस्यों की संख्या, 4-5 लोग जितने लोग हैं, कितने भाई हैं वो यहाँ, बहनों की संख्या जितनी हो यहाँ पर टाइप करेंगे। आपको देखिए जैसे संख्या है ना, संख्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर बहन है तो बहन के लिए संख्या दे देंगे आप, जो भी हो, नहीं है तो 0 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। पिता का व्यवसाय, तो व्यवसाय जो पिताजी करते हैं, माता का व्यवसाय वो है यहाँ पर कर देंगे, और उनकी शैक्षिक योग्यता भी आपको लिखनी है।
तो यहाँ पर प्रोफेशनल क्लर्कियल एग्रीकल्चर एंड फिशरी, तो अधिकतर लोग किसान हैं तो एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एग्रीकल्चर वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शैक्षिक योग्यता तो जहाँ आपके पिताजी पढ़े हों, जहाँ तक सेकेंडरी अपर प्राइमरी जो भी पढ़े हों कर देंगे। माताजी का अगर करना है तो मेरे ख्याल से नॉट एम्प्लाई यहाँ करिएगा, क्योंकि तो घरेलू महिलाएँ घर का काम करती हैं, तो यहाँ पर नॉट एम्प्लाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ी लिखी हैं अगर तो नो फॉर्मल एजुकेशन भी लिख सकते हैं, अगर पढ़ी लिखी नहीं है अपर प्राइमरी हैं या प्राइमरी तक पढ़ी हैं, 5 तक पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जो भी हो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर घोषणा करना है कि जो भी हम बता रहे हैं सब सही है, तारीख आ गया है, स्थान में आप जो भी आपका स्थान हो वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, तो मैं वाराणसी कर देता हूँ। ठीक है, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, ये हाँ रहेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं आपको नहीं करना। देखिए एरो करेंगे ना, ये हाँ ही है। फिर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये देखिए फाइनल सबमिट आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास ये सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भर दे रहा हूँ, फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। बच्चों ये देखिए सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे सामने आ गया है। ठीक है, अब हम फिर बैक जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं स्टेप टू बैक आ गया हूँ अपनी जगह, फिर स्टेप टू है आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए मांग रहा है इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग प्रोसीड पर यहाँ पर बढ़ेंगे, फिर देखते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा हमारे पास में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही बच्चों ये देखिए जो प्रमाण पत्र है वो आ गया है राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है, तो संस्था द्वारा भरा जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। तो बच्चे का नाम था राम, ठीक है, श्याम वर्मा पिता का नाम है, और यहाँ पर ये देखिए ये हेडमास्टर क्योंकि करेंगे, संस्था के प्रमुख करेंगे। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिनांक डालेंगे हेडमास्टर, प्रधान संस्था प्रधान का हस्ताक्षर मोहर सहित यहाँ पर होगा, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर होगा, अभ्यर्थी अपना यहाँ साइन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मैं बार बार बताता हूँ, अगर साइन करना है तो आपको नाम लिखना है शॉर्टकट में, ऐसे ऐसे घुमा के मत कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ है कि बच्चा जो है संस्था प्रधान द्वारा उन्हीं छात्र छात्राओं का आवेदन सत्यापित किया जाए जो राजकीय स्थानीय निकाय प्रसदीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। तो इसके अलावा जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंट का ऑप्शन लेते हैं जो नीचे प्रिंट लिखा है। ठीक है, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया है और इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट एज अ पीडीएफ, सेव एज अ पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पीडीएफ का हमें ऑप्शन बनना है तो इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में सेव नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ तक प्रोसेस आने के बाद डायरेक्ट आप कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा अपना जो आपके मोबाइल पे आया रहेगा, फिर प्रिंटआउट वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ प्रिंटआउट लेने। ये बच्चों मोबाइल में ही डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो आप उसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ और उसको किसी भी साइबर वाले कंप्यूटर वाले के यहाँ भेज के उसका प्रिंटआउट ले लीजिएगा और साइन मोहर करा के फिर इसे हमें अपलोड करना होगा। बच्चों अगर देखिए मोबाइल पे आपके थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो कि स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो साइबर कैफ़े से बस आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो मैंने अभी जस्ट दिखाया था, उससे आपका डाउनलोड वहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने स्कूल सर्टिफिकेट किया साइन मोहर करा लिया, अब उसको हमें क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम ए सेक्शन पे जैसे दबाएंगे तो फिर से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। ठीक है, और अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो मैं फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोसीड किया, ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड योर सर्टिफिकेट हियर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हमें चूज फाइल करके पहले अपलोड कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए चित्र दर्शाया हुआ है, ऐसे ही अपलोड हमें करना है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर वाला करना है और जो जो साइज रहेगी इमेज की, ठीक है, वो फ़ोटो ही अपलोड करनी है, वो 90 KB से 150 KB के बीच में रहेगी। तो आप मोबाइल से ही फ़ोटो स्कैनर से खींच लेंगे
और उसकी फ़ोटो जो है साइज उसकी कम करेंगे किससे, जेपीजी रिड्यूसर से, जेपीजी रिड्यूसर ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसे आप साइज 90 और 150 केबी के बीच में कर लीजिएगा, तब आपको ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये सर्टिफिकेट, अगर दिखे बड़ा, हाँ ये स्कूल सर्टिफिकेट एक्चुअल में दिखा रहा है कि ये इस तरीके का देखिए रहेगा, ठीक है, कि बच्चे का इतना प्रतिशत आया था, ये नाम वगैरह है, ठीक है, प्रधानाध्यापिका का है, ठीक है, बच्चे का साइन है, फिर ये सब चीज़ें हैं जो अभी हमने जस्ट देखा, ये सैम्पल स्कूल सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। तो जैसे हम चूज फाइल पे देखे करेंगे तो हमारे इसमें से चला जाएगा मीडिया गैलरी में चला जाएगा, गैलरी से हम उस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी फ़ोटो है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि कम साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर 153 KB दिखा रहा है, एक मिनट, ये 92, कोई एक मैंने कर दिया यहाँ पर, तो ये देखिए इमेज यहाँ आ गया लिखिए कि हमने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे हम नेक्स्ट करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कृपया अपलोड किए गए विद्यालय प्रमाण के पत्र की पुष्टि करने के बाद ही सबमिट करें, अन्यथा बैक बटन दबाकर फिर से अपलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये विद्यालय प्रमाण पत्र, विद्यालय ने इसको पुष्टि कर दी है तभी, ठीक है। तो अगर आपका हो गया है तब तो ठीक है, सबमिट कर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर आप बैक आएंगे। तो हम सबमिट कर दे रहे हैं, सबमिट करते ही यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया कि आपका विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड हो गया है, फिर यहाँ पर देखिए होम लिखा हुआ है, तो होम पे आएंगे तो वापस उसी पेज पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वापस से उसी पेज पे आ गए। इसी तरह से देखिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट करना है, आपकी खुद की फ़ोटो करनी है और साइन करना है, ठीक है। सब देखिए सब में आपको इनकम सर्टिफिकेट में करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए सेम उसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर बोला है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हमने किया, इसको हमने प्रोसीड कर दिया, उसी तरह का देखिए ये आपका पेज खुल गया है। तो ये देखिए आपको पता है कि जो सरकार द्वारा जारी होता है आय प्रमाण पत्र इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपको फिर से यहीं से आपको क्या करना है, चूज फाइल करना है, ठीक है, चूज फाइल कर लेंगे और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये बच्चे का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साफ साफ करना है कि इमेज जो है 150 और उस केबी के बीच में रहना है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज है, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम बैक जाएंगे, ठीक है, फिर साइज का आप कर सकते हैं, और यहाँ पर पहले सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट हो, फ़ोटो हो, साइन हो, सब आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि जब आप जाएं तो गैलरी में ये आपको सिलेक्टेड मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो SC ST का प्रमाण पत्र है फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो फिर से हम यहाँ पर ये भी JPG फाइल में ही होना चाहिए, तो PDF यहाँ किसी में नहीं मांग रहा है, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा इसको फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैं बीच में दूसरे पेज में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ है बच्चों, कोई भी स्टेप छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए खुल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं बच्चे का पहले आय प्रमाण पत्र ये अपलोड कर देता हूँ, इसके बाद मैंने फ़ोटो की साइज देखिए कम कर दी है, ठीक है। अब इसी अपलोड देखिए ले लिया है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू ये हो गया है। तो फिर से पूछ रहा है कि सही है पुष्टि आप करते हैं, तो हम हाँ सबमिट कर दे रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट था बच्चे का, सबमिट कर दिए, तो ये सफलतापूर्वक देखिए अपलोड हो गया है। इसके बाद फिर से हम होम में जाएंगे, तो इसी तरह से देखिए बारी बारी से आप फ़ोटो करेंगे, खुद की फ़ोटो पासपोर्ट साइज करवा के उसको खींच लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना साइन वाला मैंने बता ही दिया, साइन वाला करेंगे, कास्ट वाला करेंगे, ठीक है। सब हो जाने के बाद आप फाइनल प्रिंट यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए फाइनल प्रिंट अभी तो मैंने भरा नहीं है, अगर फाइनल प्रिंट हम करते हैं
तो फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे ही हर एक स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि बार बार इसको टाइप करना पड़ा था। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, तो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप हर एक चरण में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी देखिए फ़ोटो नहीं किया है, साइन नहीं किया था, ठीक है। तो करने के बाद आपका ये फाइनल प्रिंटआउट निकल आएगा, तो आपको इसको ध्यान से अपने पास कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भरिए और तैयारी बच्चों जम के कीजिए, परीक्षा में काफ़ी कम समय बच्चों बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।